बिसमिल्ल रन रहीम रबी शहली सदरी वसर अमरी वाहल़दतिल्लिस यफ़ाहु कौली असल आई एम हेयर विद यू विद आर लेसन नंबर नाइन दैट्स अबाउट द नाउन जेंडर जो जेंडर के बारे में हमारा लेसन है कि इसकी डिटेल्स देख लेते हैं लिविंग बंग्स आर ऑफ ईदर द मेल और द फीमेल सेक्स लिविंग बींग क्या है कि या तो वो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं तो उसमें हम जेंडर वाइज इसको लेते हैं अब हम आगे देखते हैं इसकी डिटेल कि वो जेंडर वाइज क्या होते हैं अनाउन दैट डी नोट्स अ मेल इज सेट टू बी ऑफ द मेस्कुल जेंडर मीन्स अनाउन दैट डी नोट्स मेल जो मेल से रिलेट करते होंगे मीन जेंट्स से और उससे रिलेट कर रहे होंगे लाइक like हमारे पास जो एग्ज़म्पल हैं उसकी वो हैं बॉय किंग लायन ये सारे जो है न मेल uh, से रिलेवेंट है तो हम इसे मेस्कुलन जेंडर बोलते हैं ठीक है इसे क्या कहा जाता है मेस्कुलन जेंडर अनाउन डैथ द नोट्स अ फीमेल इज सेट टू बी ऑफ द फैमन जेंडर लेकिन अगर वो फ़ीमेल से रेलिवेंट हो फीमेल से रिलेटेड हो तो हम उसे कहते हैं फैमन जेंडर ठीक है हम उसे फैमिलन जेंडर बोलते हैं अब इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं गर्ल्स क्वीन लॉइनस दीज आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ फैमन जेंडर तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो जेंडर वाइज हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं नाउन की वो मैस्कुलिन जेंडर हैं जो मेल से रेलिवेंट हैं और कुछ जो हैं वो फैमिलन जेंडर हैं जो फीमेल से रेलिवेंट हैं लेकिन अ नाउन दैट डिनोट्स ईधर अ मेल और अ फीमेल इज सेट टू बी ऑफ़ द फॉल ऑफ द कॉमन जेंडर लेकिन अगर हमें ऐसा हो कि वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं ठीक है उन्हें हम बोलते हैं कॉमन जेंडर अब जैसे पेरेंट्स हैं पेरेंट्स में क्या है आपके मामा भी शामिल हैं और बाबा भी शामिल हैं तो ये क्या हो जाएंगे ये आपका कॉमन जेंडर में आ जाएगा कज़न्स हैं कज़न में क्या होगा वो कोई इट कैन बी अ बॉय इट कैन बी अ गर्ल ऐसा भी हो सकता है बेबी है बेबी हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं और उसमें भी ऐसा ही होता है कि वो छोट कोई बॉय बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है इसलिए वी यूज़ कॉमन जेंडर फॉर दिस ना लेकिन अगर फ्रेंड की बात करते हैं तो फ्रेंड में भी ऐसा ही है फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है इट्स ये भी बॉय या मेल या फीमेल दोनों में से हो सकते हैं ठीक है ना तो इसलिए हम इसमें कॉमन जेंडर यूज़ करते हैं द वर्ड कॉमन जेंडर के वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं इसी तरह से द नाउन डैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल कि अगर वो ना ही मेल हैं और ना फीमेल हैं तो मीन्स उसमें ज़्यादातर वो चीज़ें आती हैं लाइक थिंग्स विदाउट लाइफ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल बेजान हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो इज़ कॉल्ड द न्यूटर जेंडर उसे हम बोलते हैं न्यूट्र जेंडर अब वी हैव मैनी नॉन लिविंग थिंग्स विद अस बहुत सी चीज़ें हैं वो नाउन होती हैं लेकिन वो नॉन लिविंग होती हैं जैसे क्या हमने एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल लिख हुई हैं इसके अलावा बहुत सारी होती हैं ठीक है ना पेन ट्री बुक चेयर टेबल स्पून प्लेट्स मेनी थिंग न्यूट्राजेंडर में फैमिलिन ऑफ द नाउन ये नाउन से हमने फैमिलिन कैसे बनाने हैं इसके बहुत से वे हैं कैसे बनाते हैं एक तो होता है कि टोटली इंटायर डिफरेंट वर्ड हम यूज करते हैं जैसे बॉय है तो बॉय के साथ हम इसको बिल्कुल अपोजिट हो जाता है गर्ल ठीक है ब्रदर सिस्टर कॉक हैन फादर मदर इसी तरह से टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि हम कुछ सिलेबल्स को ऐड करते हैं लाइक ई डबल एस आई एन ई ट्रिक्स वगैरह वगैरह ठीक है इस तरह से ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल ऑथर ऑथरेस यहाँ हमने ऐड किया ई डबल एस इस तरह से हीरो hero, हेरोइन तो यहाँ हम क्या ऐड हैं आई एन ई इसी तरह से टेस्टेटर टेस्टेट्रिक्स यहाँ पे हमने क्या ऐड किया टी आर आई एक्स ठीक है ना तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं और इसमें बहुत से डिफरेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स हेयर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं यहाँ पे लेकिन इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो हम उसमें ऐड करते हैं वो सारे ना इस तरह से ये हम इसके फैमनिन बना सकते हैं सो होपफुली दिस लेसन विल बी हेल्पफुल फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू द नाउन एज अ जेंडर जिसमें हमने टाइप्स पढ़ी हैं जेंडर की वो कौन कौन सी टाइप्स थी वो थी एक था हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर फैमिलन जेंडर कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर और बनते कैसे हैं फैमिलन वो आपको पता है कि हाँ आप समाइम जो है वो बिल्कुल टोटली अपोज़िट वर्ड ले लेते हैं या फिर आप क्या करते हैं कि कुछ सिलेबल्स को ऐड करते हैं लाइक ई डबल एस आई एन ई और टी आर आई एक्स इन दिस वे आप इसका फैमिलिन जो है वो बना देते हैं मेल्स मैस्कुल इनको फैमिलिन के उसमें चेंज कर लेते हैं ठीक है ओके थैंक यू सो मच